को बड़ा खतरा। लॉरेंस बिश्नोई को छोड़ो, नहीं तो उड़ा देंगे। मेल पर मिली धमकी से मची सनसनी। कौन है लॉरेंस बिश्नोई का सगा? मोदी को है मारना चाहता। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुंडी। पहले तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम सलमान खान को लेकर ही लिया जाता था। सलमान खान को जान से मारने की धमकी देने की वजह से ही वो सबसे पहले सुर्खियों में आया था। लेकिन अब तो लॉरेंस बिश्नोई की रिहाई के नाम पर पीएम मोदी तक को मारने की धमकी मिल गई है, जिस पर सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई। समझिए क्या है पूरा मामला इस खास रिपोर्ट में। बिश्नोई को रिहा करो और 500 करोड़ दो, नहीं तो पीएम मोदी को उड़ा देंगे। ये धमकी दी गई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए को ईमेल पर ये धमकी मिली है, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। एनआईए को भेजे गए इस ईमेल में अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ाने की भी धमकी मिली। ये सब हो जाएगा अगर जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को रिहा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 500 करोड़ रुपए की भी मांग की गई। अब कौन है जिसने इतनी हिम्मत जुटाई है कि पीएम मोदी को भी जान से मारने की धमकी देने की जरूरत की है, यही पता लगाने के लिए एनआईए जांच में जुट गई है। ईमेल करने वाले ने दावा यह भी किया है कि आतंकी गुटों ने पीएम मोदी की हत्या और स्टेडियम को उड़ाने के लिए पहले ही लोगों को तैनात कर दिया है। अब इस मेल के मिलने के बाद से हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। ये समझना मुश्किल हो रहा है कि आखिर ये मेल भेजा किसने। ईमेल में साफ तौर पर लिखा गया है, अगर सरकार हमको 500 करोड़ देने और लॉरेंस बिश्नोई को रिहा करने में नाकाम रही तो हम नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ा देंगे। भारत में सब कुछ बिकता है और हमने भी कुछ खरीदा है, कितनी भी सुरक्षा करो लेकिन हमसे बच नहीं पाओगे। फिर ईमेल भेजने वाले ने यह भी लिखा है कि जो भी बात करनी है वो ईमेल पर करो। अब ये मेल मिलने के बाद एनआईए ने ये मेल मुंबई पुलिस को फॉरवर्ड किया है। बताया जा रहा है कि यूरोप के किसी देश से मोदी की जान को धमकी वाला यह मेल भेजा गया। अब मुंबई पुलिस भी मामले की तहकीकात में जुट गई है। मुंबई पुलिस के एक अफसर ने यह भी बताया कि पीएम मोदी को धमकी का मामला फर्जी लग रहा है, फिर भी गंभीरता से जांच की जा रही है। मुंबई में क्रिकेट मैच के दौरान स्टेडियम पर कड़ी सुरक्षा की भी तैयारी की जा रही है। इसके अलावा मुंबई पुलिस समीक्षा बैठक भी कर रही है। दरअसल वानखेड़े स्टेडियम में विश्व कप के 5 मैचों की मेजबानी के लिए मुंबई पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। सूत्रों ने तो ये भी बताया है कि ये मेल गुरुवार सुबह मिला है और इसे कई राज्यों के पुलिस के साथ साझा भी किया गया है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है। आखिर कौन है जो लॉरेंस बिश्नोई को छुड़ाना चाह रहा है और पीएम मोदी से दुश्मनी निकाल रहा है, देश के प्रधानमंत्री को ही जान से मारने की धमकी दे रहा है। क्या ये सिख फॉर जस्टिस का काम तो नहीं है? जी, सिख फॉर जस्टिस। जांच एजेंसियां तो इस बात से टेंशन में है कि कहीं इस सब के पीछे सिख फॉर जस्टिस तो नहीं है। पिछले हफ्ते सिख फॉर जस्टिस ने इसी तरह की धमकी दी थी। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस मेल के पीछे एसएफजे का हाथ है। शंका इसलिए है क्योंकि अभी 2 हफ्ते पहले ही कनाडा में गैंगस्टर सुखा दुनेके की हत्या की जिम्मेदारी लेने के बाद से बिश्नोई एसएफजे के रडार पर है। एक सूत्र ने हालांकि इस मामले को लेकर ये भी कहा है कि मेल ध्यान भटकाने की कोशिश भी हो सकती है। फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां मेल किसने कहां से और क्यों भेजा है इसका पता लगाने का प्रयास कर रही हैं। वैसे एनआईए को मिले इस धमकी भरे मेल के बारे में आपका क्या कहना है, इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमें बताएं कि क्या आपको भी लगता है इस मेल भेजने की साजिश में एसएफजे का हाथ हो सकता है, और इस सब के बारे में आपकी राय क्या है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।